पर यदि विचार किया जाए, गहराई से सोचा जाए तो मालूम पड़ता है कि सुख और दुख किसका खेल है। संसार को तो बोल दिया कि सुख और दुख का खेल है, परंतु सुख दुख किसकी वजह से होते हैं? जी कर्मों की वजह से। जो भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें भी सबसे ज्यादा भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए अच्छा परिणाम, बुरे कर्म किए बुरा परिणाम। जब तो अज्ञान वश, विकारों के वश, मनोविकारों के वश होकर के हम जीवन किए, चलो को समझ कर गए, बड़े बड़े पाप कर्म तो नहीं करते, छोटे मोटे हो जाते हैं, वो तो हो जाते हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए। कई बार कहते तो चलता है ना, चला लेते हैं, परंतु कभी देखा, कभी सोचा कि कभी कोई बड़े बाहर से टकरा कर होकर नहीं खाता है, छोटे छोटे पत्थरों से ही टक्कर टकराता है, कर खाता है, गिरता है, बड़े पहाड़ से कभी कोई ठोकर। तो ये जो छोटी छोटी भूलों को हम इग्नोर करते हैं, यही बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं दुखों के। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी नहीं चलाना। कल मैंने एक बात कही थी कि अब हमारे क्लोजिंग का समय है, हिसाब किताब जो चल रही है हम सबके सामने 63 जन्मों के, उनको क्लियर करने का वक्त आ गया है। तरीके बाबा ने बता दिए हैं, या तो वो तरीके अप्लाई करने, या फिर वो अपने तरीके से इन हिसाब किताब को खत्म करेगा। कोई भी कर्म के परिणाम से बच नहीं पाएगा। यहाँ पर ये कर्म सिद्धांत अटूट और अटल है सृष्टि का। वैसे भी कहते हैं ये सृष्टि भूगोल है, भूगोल, भूगोल कहते हैं, यानी कि ये भूमंडल गोल है, चारों तरफ से बंद है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जहां से चलोगे, जो जो छोड़ते हुए जाओगे, जब वापस आओगे, वो सब मिलेगा, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। कांटे छोड़ोगे कांटे प्राप्त होंगे, फूल छोड़ोगे आपके ही मार्ग में फूल खिले हुए मिलेंगे। अब जो हो गया हमसे वो तो हो गया अज्ञानवश, अब उसको तेजी से मुझे लाइक करना है, क्योंकि जब भी पाप कर्म सामने आता है तो किसी न किसी कष्ट को, रोग को, शौक को, या किसी न किसी तरह से मन मनमुटाव को, असफलता को, पराजय को हमारे सामने लेकर आता है। अब अगर हम इन्हीं में ही अटकते रहे तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। जो हमारा प्रभु मिलन होना चाहिए शांत चित्त मन से, जो उसकी वाइब्रेशन हमें ग्रहण करनी चाहिए, उस पर मन एकाग्र करके उसकी शक्तियों को रिसीव करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यही जैसी आवश्यकता है पुण्यों में वृद्धि करें हम। घबराने की बात नहीं है, अगर आज जीवन में कुछ भी मन अनुकूल नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफें हैं, कष्ट हैं, रोग शोक हैं, मनमुटाव है, असफलताएं हैं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो कन्फर्म है कि मेरा ही किया हुआ मेरे सामने आया है। इसीलिए पहली बात एक्सेप्ट करेगा, दोषी कोई और नहीं, निर्दोष दृष्टि और हौसला भी ना हारे, क्योंकि गिरते वही हैं जो चलते हैं, जो चलते ही नहीं वो तो
गिरने का सवाल ही नहीं, गिरते वही है जो चलते हैं, बस इतना सा करना है उठकर फिर से चलना है। जो हो गया सो हो गया। अब इस सुध लेनी है मुझे, अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, भोगनाएं बहुत हैं, तो तेजी से अपने पुण्य कर्म में वृद्धि कीजिए, क्योंकि जब पाप का प्रभाव चरम सीमा पर होता है तो भोगनाएं भी कष्ट भी चरम सीमा पर होती है, और जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा पाप का प्रभाव डाउन हो जाएगा, और जैसे पाप का प्रभाव डाउन होगा तो उसके द्वारा जो कष्ट भोगनाएं आ रही है वो अपने आप डाउन हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं, बस आवश्यकता इतनी है कि जितने पाप किए अब उससे कहीं ज्यादा मैं पुण्य कर्म कर लूं। अब दो तरीके हैं, गिलास में गंदा पानी है या तो आप उसे उलट करके लीजिए, अगर इतना नहीं कर सकते तो साफ नल के नीचे उस गंदे गिलास के पानी को रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे, गंदा ना बाहर और साफ। पुण्य करते रहिए करते रहिए करते रहिए, पाप निकलता जाएगा और एक दिन पुण्य का प्रभाव बाहर हो जाएगा, पाप का प्रभाव डाउन हो जाएगा। दूसरे की हमारे को बड़ी बोझ में चल रही है, महल मारियां गाड़ियां सब कुछ तो है हमारे पास, हमें क्या करिए पाप पुण्य के, तो इंद्राणी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कमाई कर नहीं रही हूँ, सेविंग मेरी हो नहीं रही है, जो जमा है बस निकाल रही हूँ खा रही हूँ, निकाल रही हूँ खर्च कर रही हूँ। अब सोचिए जिस दिन ये बैलेंस मिल हो जाएगा, क्योंकि कमाई कुछ नहीं सेविंग कुछ नहीं, अगर ये बैलेंस मिल हो गया उस दिन मेरी स्थिति क्या होगी, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। उसे कहे खाना खाना तो सामने हो पर मुंह काम न करे, इसलिए दोनों ही स्थिति में, चाहे स्थिति सुख में है चाहे समय मेरे अनुकूल है, चाहे स्थिति दुख में है चाहे समय मेरे अनुकूल नहीं है, दोनों ही स्थिति में मुझे पुण्य कर्म चाहिए। ये मेरी असली पूंजी है, असली कमाई है, ये है दौलत, हर दिन कमाऊं हर दिन जमा कर दूं। तो पुण्य इमीजिएटली जैसे जैसे बढ़ते उसमें से एक टॉपिक काफी बार उन्होंने सुना भी होगा, लेकिन बहुत इसकी डिमांड आई है, रिक्वेस्ट हुई है, तो मैं फिर से इसको लेकर आ रही हूँ आपके बीच में। इमीजिएटली पुण्यों में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, इमीजिएटली जो पुण्य का प्रभाव तेजी से काम करता है वो कैसे होती है। ऐसे तो भगवान से हमारे सभी रिश्ते हैं, कहा भी गया स्वामेव अमातर्ष पिता को मैं, तुम्ही बंधु तुम्ही सखा तुम्ही गुरु तुम्ही देव सब कुछ तुम हो, सारे रिश्ते भगवान से बना सकते हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे विशेष तौर पर तीन संबंधों में बने रहते हैं उससे, एक नेचुरल नेचर जो बन गई है हमारी कॉमन वो हो गया है, जो हमारे लिए बाबा से रिश्ता वो कौन सा है, बड़ा नेचुरल सा रिश्ता जो बन गया है वो है बाबा का, यानी के पिता। जब हम उसके महावाक्य सुनते हैं तब वो हमारे सामने किस रूप में उपस्थित होते हैं, शिक्षक एक और तीसरा बड़ा भारी बड़ा इम्पोर्टेंट रिश्ता भगवान के साथ है, जो थोड़े बिस्तरे रहते हैं हम, वो कौन सा है, परम सदगुरु। और ये रिश्ता ऐसा है कि यदि एक बार मेरी ओर से मेरा सदगुरु राजी हो जाए प्रसन्न हो जाए तो फिर जो भगवान के बारे में कहावत है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर लेता है, ये उसके बारे में गाये है, क्योंकि पिता और टीचर के सामने कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पिता के पास जितना होगा ना उतना ही बच्चों को देगा, और जितने बच्चे होंगे उतनों को बात कर देगा, भले उनमें से एक अदरणीय पुत्र क्यों ना हो, उसका एक अति प्रिय पुत्र क्यों ना हो, परंतु पिता की ये
लिमिटेशन है। छात्र स्टूडेंट कितना भी प्रिय क्यों ना हो शिक्षक का, परंतु यदि पढ़ाई में कमजोर है तो नंबर भी वैसे ही होंगे। प्रेम अलग जगह है और उनकी लिमिटेशन अपनी अलग जगह है, परंतु ये जो सदगुरु का रिश्ता है ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं। अगर एक बार ये हम पे प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो अपनी नवनिधि समस्त शक्ति समस्त सिद्धि अपने सारे वरदान दुआएं ब्लेसिंग साथ सब कुछ नौछावर कर देता है। इसके सामने के कोई लिमिटेशन नहीं है। अब मुझे परम सदगुरु को राजी करना है, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास, राजी करना है उसको। इस तरह से राजी करना है कि जब मेरी आंख खुले उदय सूरज के साथ मेरा भाग्य भी उदय हो जाए, हर सुबह मेरी गोली युक्त शुरू हो, कोई सुबह ऐसी ना जाए जब बोर्ड की तरफ से मुझे गिफ्ट प्राप्त ना हो। और कभी दूसरे गिफ्ट बाकी है तभी आज तक गायन है कि ये मेरे पास बोर्ड ही गिफ्ट है। अगर ना बांटता तो ये कहावत भी ना होती। तो हर सुबह उससे गोली गिफ्ट लेनी है। आप खुलते ही कुछ ना कुछ वरदान ले लीजिए, कुछ ना कुछ ड्रेसिंग ले लीजिए, दुआएं ले लीजिए, कुछ ना कुछ उसका प्रेम हासिल कर लीजिए, उसके रहस्य जान लीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो जाएगी सदा के लिए। परंतु उससे पहले मुझे उससे प्रसन्न करना है, बस। वो इजीली प्रसन्न नहीं होता, पिता तो हो जाता है, माता भी हो जाती है। उसको प्रसन्न करने के लिए उसके दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब अगर मुझे किसी को प्रसन्न करना है, राजी करना है, तो मैं दो बात का विशेष ध्यान रखती हूँ, इसे पसंद क्या है और नापसंद। जो पसंद है वो मैं बार बार करूंगी और जो नापसंद है वो बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मुझे ये देखना है कि परम सदगुरु को पसंद क्या है, क्या पसंद है इसको जी। अति प्रिय, उसका फेवरेट, सच्चाई सफाई। और क्या पसंद है परम सदगुरु को? पवित्रता पसंद है। और जी समर्पण पसंद है। और बताइए, दिल का प्यार पसंद है। और क्या पसंद है? भगवान के संबंध में, जो परम सदगुरु के संबंध में आता है, भक्ति मार्ग में भी वो परंपरा चालू है और ज्ञान मार्ग में भी चालू है, जो उसे अति पसंद है। दृष्टि और आज भी चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण परिवार में वो रीति रिवाज, वो परंपरा आज भी चालू है, उसको प्रसन्न कर देते हैं। बताइए, भोग। परम सदगुरु को विशेष गुरुवार का भोग बहुत पसंद है, अति प्रिय है उसको, उसका फेवरेट है वो। इसीलिए देखिए ज्ञान मार्ग में भी उसको हम भोग की ऑफर करते हैं। कई पढ़े लिखे भाई बहने आते, कहते बहन जी ये भोग पहुंचता है कि नहीं भगवान के पास, ये खेल पाल है। जैसे भक्ति मार्ग में भी भक्त जानते हैं भगवान को क्या पसंद है, जहां भगवान वहां प्रसाद, बिना प्रसाद के भगवान अधूरा, भक्ति अधूरी, कर्मकांड अधूरे। सबसे पहले क्या चाहिए? प्रसाद चाहिए। पूजा से भी पहले क्या चाहिए हाथ में? क्या घनिष्ठ रिलेशन है दोनों का, भगवान और प्रसाद का गजब का रिश्ता है। बिना प्रसाद के भगवान अधूरा है। देखिए व्यक्ति जन्मता है तो प्रसाद, उसके जीवन में जो भी शुभ संस्कार होते हैं तो प्रसाद, इवन जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका अंतिम संस्कार होता है तो भी प्रसाद। हिंदू धर्म में तो ये मान्यता है
कि जब तक उसके नाम का प्रसाद पंडितों को ना खिला दिया जाए तब तक आत्मा भटकती रहेगी। इसीलिए तेरे माँ के राम जी बताने क्या क्या करते मान्यता है करेंगे ही। जबकि हमने ये देखा है कि मंदिर में जाते थे प्रसाद का दाना एक भी इधर से उधर नहीं, भोग लगाते हैं खाली झूठी तू, इतना सारा का कर भी तो इधर से उधर नहीं होता। प्रभु कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं, क्या है ये भोग, ये प्रसाद क्या है, क्यों भगवान को अति प्रिय है कि भक्त भी जानते हैं इस वीकनेस को भगवान की और उसी नवश को दबाते हैं जो उसकी कमजोरी है। हे भगवान तू मेरी ये मन्नत पूरी कर दे और फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन इतना बढ़िया नस दबाते हैं उसकी, क्योंकि वो भी जानता है इसको बहुत पसंद है, इसका फेवरेट है, माने गए लीजिए गए खुश हो गए और 5 लाख की मन्नत पूरी करा लेते 5.25 रुपए के लड्डू के चक्कर में। और वो भोलानाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं उस लड्डुओं के चक्कर में, ठीक है ना। तो ये वो है क्या, जब दाना इधर से उधर नहीं होता और प्रति हम लगाते आ रहे हैं, जब से आप जानते हो चाहे 15 से 7 से हो, 20 से हो, 25-30 से हो, कोई गुरुवार देखा किस दिन भोग न लगाओ है, देखा पॉसिबल ही नहीं है, लगता ही है कुछ भी हो जाए। तो है क्या ये भक्ति मार्ग में भी ये रस्म चली आ रही है सदियों से और ज्ञान मार्ग में भी चली आ रही है। एक्चुअली हमारे दिल की निस्वार्थ भावनाओं का प्रतिरूप है ये भोग, जो हमारे दिल में भगवान के प्रति स्वच्छ स्नेहमयी शुद्ध भावनाएं हैं, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं, जिनमें कोई कामना नहीं, उसका स्थूल रूप में जो हम रूप दिखाते हैं वो ये प्रसाद और भोग है। इसमें से हमें दाना इधर से उधर ना होता हो, परंतु एक चीज भगवान इसमें नहीं छोड़ता और वो है मेरी भावना है, उसे खींच लेता है, उसे उसमें नहीं छोड़ता, मेरी भावनाओं का आस्वादन करता है। बड़ी अजीब सी बात हुई है सृष्टि पर कि जो सृष्टि का पालन करता है, जो संपूर्ण सृष्टि की पालना कर रहा है, अब वो खुद भूखा है। सुनी कभी ने बात, एक व्यक्ति रोज 500 लोगों को भोजन खिलाता हो और स्वयं भूखा रहता हो, इस सृष्टि की पालना करने वाला खुद भूखा है। किसका भूखा है भगवान, भावनाओं का भूखा है, और भाड़ा किसका देता है भगवान, भाड़ा किसका देता है, लड्डू का, हलवे का, पूरी का, किसका देता है, भावनाओं का। भोग और कुछ नहीं, प्रसाद और कुछ नहीं, सिर्फ मेरे दिल की भावनाओं का प्रतिरूप है वो भूखा भगवान, उसमें से मेरी भावनाओं को खींच लेता है और आनंदित तो होता है, तृप्त तो होता है, प्रसन्न होता है, राजी होता है। और जब वो आनंदित तो होता है तो फिर नीचे वाले को भी आनंदित कर देता है। जब वो खुद प्रसन्न होगा, राजी होगा, तृप्त होगा, तब वो भी क्या करता है, ऐसी कृपा दृष्टि बरसाता है कि वो भी तृप्त हो जाते हैं। परंतु कंडीशन है भावना, हम स्वार्थ से जो उसको यूज कर रहे हैं वो नहीं। तो मैंने एक बात कही कि कई भाई बहनों के संकल्प चलते हैं कि भोग भगवान तक जाता भी है या यूं ही खेल पाल है ये सब, क्योंकि कई बार बाबा ने मुरली में बोल भी दिया निराकार भगवान है, उसको मुख तो है नहीं, वो थोड़ा ही भोग खाता है, भोग भले ना खाता हो परंतु एक चीज वो छोड़ता, वो क्या नहीं छोड़ता, वो भावनाओं की भासना लेता है।
और ये खेल पाल है, ये क्यों कहा कुछ भाई बहनों ने बीच में अपने स्वार्थ के लिए, अपना काम साधने के लिए, नाम शान के लिए इसका मिसयूज किया। भोग लगाने बैठे, एक्टिंग शुरू कर दी, टेढ़े मेढ़े पोज दे करके, मेरे में तो मम्मा आ गई है, जो बेवकूफ बन सको बन जाओ। किसी ने तो सीधा अनाउंस कर दिया कि शिव बाबा ही मुझ में आता है। अब कोई उनसे पूछे कि मुकर्रर एक है केवल ब्रह्मा बाबा, अभी भी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है, फिर गुलजार दादी के तन में आता है। और गुलजार दादी जो खुद बाबा ने बताया कि पिछले 7 जन्मों से बिल्कुल प्योर पवित्र आत्मा है, तो उसका ब्रेन महाशक्ति को, महाज्योति को 2-2 घंटे तक, 4-4 घंटे तक रिसीव करने की ताकत रखता है। हरेक का ब्रेन तो उसे धारण कर भी नहीं सकता। एक साधारण सी आत्मा किसी में घुस जाती है तो भी पूरा हिलना शुरू कर देते हैं, वो तो महाज्योति है। उसके लिए मुकर्रर रत है, वो क्यों मेरे तुम्हारे शरीर में आएगा? आएगा क्या? तो इन डोंगियों से बचिए। जब तक बाबा अनाउंस ना कर दे नेक्स्ट रथ कौन होगा, तब तक कोई नहीं, जैसे चल रहा चलता रहेगा। इसीलिए अपोजिशन भी बहुत है, अपोजिट पार्टियां भी बहुत है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अभी बिल्कुल मेरी परख शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मैं ब्राह्मण के वेश में आए रावण को पहचान सकूं। भले कितने भी वेश बदल कर आए, परंतु अष्ट शक्तियों में जो ये परख शक्ति है, अब ये काम में आने वाली है। जैसे शक्ति थी हमारी ममा की, बहुत ब्यूटीफुल हुमनहार विश्व महारानी लक्ष्मी रूपा कैसी होगी आप सोच सकते हैं। बहुत आकर्षित होते थे लोग उन पर। एक ऐसे ही अपनी गंदी भावना लेकर मम्मा के पास आया, उनके ऊपर मोहित होकर। मम्मा बाबा गोद दे रहे थे, उस समय था कि मम्मा बाबा गोद में लेते थे सभी को। वो 4 माताओं के पीछे बुरी भावना लेकर आया हुआ भाई भी खड़ा था, लेकिन मम्मा ने 4 माताओं के पीछे खाली 1 सेकंड से कम समय उसको देखा और पहचान लिया। इतनी गजब की परख शक्ति थी उनकी। उसने वहीं से रोका, बच्चे वहीं खड़े हो जाओ, ये महाकाली की गोद है, संभल कर आना। उसकी रूह कांप गई, हाथ पैर कांप गए। मेरे मन के भाव को इतनी दूर से पहचान लिया इसने, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। अगर वो महालक्ष्मी मां जगदम्बे रूपा है तो वो महाकाली भी है। पर उसने क्षमा याचना की मम्मा से, सच में मामा मैं बहुत बुरी भावना से तुम्हारे पास आया था, और उसकी पवित्रता उसकी शक्ति ने मां बुलवा दिया उसके मुख से। तो ऐसी गजब की परख शक्ति की जरूरत है हमें कि हम दूर से ही एक्सरा कर ले कौन किस भाव से मेरे पास आ रहा है। और ये परख शक्ति, ये अष्ट शक्तियां केवल शिव के साथ योग लगाने से ही प्राप्त होंगी। जितना जिसका गहन योग, उतनी उसकी शक्तियों की परसेंटेज बड़ी होगी। तो ये वो पूछता है या नहीं? एक तो इस प्रकार के जो भी गेम करते हैं, ये महा 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 पाप है। सीधा भगवान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ये। इसे धर्मराज भी कभी माफ नहीं करेगा, ऐसा गेम ना खेले हम। दूसरी बात, ऐसे गेम में फंसे भी नहीं हम। दूसरी बात, अगर मेरे भोग में भावनाएं हैं तो 101% पहुंचता है वो बाबा के पास। जब बाबा व्यक्त हुए, तीनों टाइम भोजन का भोग लगता था, 1-2 मिनट का मैसेज भी आता था। एक बार हमारी दीदी है बड़ी कैलाश दीदी, उनको भोग लगाने भेजा।
वो शुरू से ही ट्रांस में जाती है, जब से वो छोटी है बाबा के सामने आई है। बाबा ने सीन दिखाया बटन में उनको कि वो थाली लेकर आई, बाबा ने एक डब्बी खोली, उसमें से सांप निकल के भागा। वो डर गई कि मैं तो भोजन लेकर आई थी, ये सांप कहां से आ गया डब्बी में। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो मिस्टेक कहां हुई है, जाकर देखो। अब वो भागी हुई नीचे आई वापस और भंडारे में थाली लेकर गई, जो निमित्त आत्माएं थे उन्हें सबको बुलाया कि आज बाबा ने ऐसा ऐसा कुछ दिखाया है हमको। सबने वो डब्बियां खोली एक एक करके, सब कुछ ठीक था। लास्ट में एक डब्बी खोली जिसमें पनीर की सब्जी थी या चावल था शायद, उसमें इतना लंबा बाल पड़ा था, उस बाल का सांप दिखा दिया। तो जब दोबारा भोग लेकर गई तो उसने पूछा, बाबा आपने वो बाल का इतना बड़ा सांप दिखा दिया। कहते बच्ची में सूक्ष्म वतन है, यहाँ छोटी चीज भी क्या दिखाई देती है, बड़ी देती है। सूक्ष्म वतन छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है। बाबा ने कहा बच्चे तुम किसको भोग लगाने आए हो, किस तरीके से लगाना चाहिए, तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कल तक तो प्रसाद चढ़ाकर अपने को अति सौभाग्यशाली समझते थे, अब सामने खिलाने का मौका मिला है। हमारे घर में यदि आर्थिक स्थिति अच्छी भी ना हो तो भी एक डाइनिंग टेबल होता है, एक घर के कोने में पड़ा होता है कि नहीं, एक डिनर सेट भी होगा। मैं भले जमीन में खाऊंगी, भले मैं डाइनिंग यूज नहीं करती पर कोने में है रखा हुआ, टूटी फूटी स्टील की प्लेट में खाना खाऊंगी पर डिनर सेट भी है मेरे घर में, उन्हें मैं यूज नहीं करती। वो किस लिए है, मेहमानों के लिए। अगर नहीं भी है कोई स्पेशल मेहमान आ गए तो पड़ोसी से मांगना ही है। मेहमानों की हम इतने अच्छे से खातरी करते हैं, उनके लिए डाइनिंग भी रखते हैं, उनके लिए डिनर सेट भी रखते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा बनाते भी हैं, परोसते भी ढंग से हैं। हमारे घर में खुद इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, तीनों लोगों का सबसे बड़ा मेहमान छत करके आया है, उसे हम कैसे भोग लगाते हैं। देदारियों के लिए महंगे महंगे डाइनिंग, महंगे महंगे डिनर सेट यदि हम ले सकते हैं तो भगवान को भोग लगाने का तरीका कैसा होना चाहिए, उससे बड़ा वीआईपी कोई होगा क्या, होगा। अफसोस हुआ, मैंने एक जगह देखा डिस्पोजल प्लेट, बड़ा सा प्रोग्राम हो रहा था वहां, उसमें पहले तो चावल रखा, फिर दाल डाल दिया, फिर उसके ऊपर सब्जी डाल दी, फिर उसके ऊपर रोटी रख दी, कहा जा रहा है बाबा को भोग लगाने से, तो खा सकते हैं। तुम्हारे इन सब्जी रोटी चावल का भूखा नहीं है, वो किसका भूखा है, उसमें बाद में दिखाई देगी। भोग लगाना कोई काम उतारना नहीं, कि ब्राह्मण परिवार की प्रथा है भोग लगाकर ही खाएंगे, काम उतारो नहीं, तुम्हारा ऐसा भोग नहीं चाहिए उसको, केवल भावना प्रदान। भले तुम कुछ भी ना, एक फूल भी रखो तो उसमें इतनी भावना कर दो कि वो भूखा भगवान उस फूल में से भी भावना लेकर के तृप्त तो हो जाए, आनंदित तो हो जाए। भावना का होना जरूरी है, काम उतारना नहीं। खूटी पे बाबा लेटा है, नीचे थाली पटक दी, क्या क्या बाबा को भोग लगा दिया। अपने घर के सदस्यों को भी चार बार जाके पूछते हैं, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ और चाहिए, बाबा के पास 5 मिनट भी बैठने का वक्त नहीं है हमें, कि हम 5 मिनट तसल्ली से इत्मीनान से बैठे तो सही। इसी तरह से एक बार बाबा ने कुमारों की बट्टी की मधुबन में, सभी भारत से कुमार आए थे, बाबा भी मिलने आए, बाबा बहुत गहरी गहरी बातें कुमारों से कर रहे थे। अचानक बाबा की लहर बदली, क्योंकि लहर ही बाबा है, वो तब लहर बदलते कुछ कह नहीं सकते, इसलिए बाबा का एक नाम क्या है, लहरी बाबा। उसकी लहर बदलती रहती है। बाबा ने कहा कुमार बच्चे भी बाबा को बहुत प्यार करते हैं,
हम भी पीछे पीछे बैठे थे, कम से कम 15 साल पहले बात होगी। तो बाबा ने कहा जो कुमार बच्चे हैं ना, जो घरों से बाहर रहते हैं, बाहर का तो वो खाते नहीं, खुद बनाते हैं, पर बाबा को इतना प्यार करते हैं कि बाबा को भूख लगाए बिना नहीं खाते। फिर बाबा मुस्कुराए, कुमारों को दृष्टि दी, फिर बाबा ने कहा पता है बच्चे भूख कैसे लगाते हैं, तो परमिशन भी बता दू। तो सबने कहा हाँ बाबा बता। तो बाबा ने कहा कुमार बिजी बहुत होते, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता, रोटी चपाती से मुक्त रहते हैं, पुलाव खिचड़ी पुआ सबसे फेवरेट खाना होता है उनका। कुकर में सीटी लगाएंगे, फिर ढक्कन खोलेंगे और कुकर ही बाबा के सामने रखेंगे, बाबा इसमें खा लेंगे, बिजी बहुत तू। बाबा भी ऐसे ही हंसे जैसे आप हंसे। बाबा ने कहा बच्चे को कितना भी बिजी क्यों ना हो, खुद कुकर में खाएगा क्या, अपने लिए तो प्लेट में निकालेगा कि नहीं निकालेगा, नहीं। तो जब बच्चा नहीं खा सकता कुकर में तो बाबा कैसे खाएगा, खा सकता है क्या, नहीं खा सकता। तो बाबा का इशारा था ये कि देखो कुमार भोग तो लगाते पर तरीका क्या है। और इंडिया में सभी स्टेट में सभी बड़े सेंटर्स को ये क्लास मैंने कराई है, हर सभा में से एक दो कुमार जरूर मिलते हैं, कहते हैं मैं हम भी ऐसे लगाते हम भी कुकर में ही भोग लगाते थे, जब बहुत ज्यादा बिजी होते जल्दी में होते बाबा के सामने कुकर ही रखते थे। तो केवल भोग स्वीकार ही नहीं करता, उसकी निगरानी में भोग बनता भी है। एक बार किसी सब्जी में नमक डालना भूल गए, फिर भोग की थाली गई, फिर बाबा मुस्कुराए, बाबा ने थाली पकड़ी नहीं, बाबा ने कहा बच्चे जाकर चखो और देखो गलती कहां हुई है। फिर से थाली वापस आई, फिर भंडारी के पास पहुंचे कि बाबा ने आज भोग नहीं लिया, बोला कुछ तो गलती है चखो पहले से। तो जो निमित्त आत्मा की उसने चखा तो एक सब्जी में नमक नहीं था, तो उसकी निगरानी में बना या नहीं बना। नमक डालना भूल गए, बच्चों को नहीं पता पर उसको पता है। अब ऐसा नहीं कि बाबा को कोई लो या हाई डिग्री है कि उसे नमक वाला या बिना नमक वाला ही सही है, ऐसी बात नहीं है। परंतु बाबा ब्रह्मा भोजन का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बाबा कहते थे बच्चे ये दुख भंजन भोजन है, अगर इसे तुम प्रेम से श्रद्धा से भाव से खाओगे तो ये तुम्हारे पता नहीं कितने दुखों को कितने कष्टों को हर लेगा, तुम्हारे कड़े संस्कारों को खत्म कर देगा, मन की बीमारियों को नष्ट कर देगा, इंजेक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है, इसमें शिव की डायरेक्ट शक्ति भर के आती है। परंतु कंडीशन तुम्हारा भाव कैसा है उसको स्वीकार कर लेगा। अब उसमें नमक नहीं है सब्जी में, बाबा को भोग लगती बैल बजता है, रिकॉर्ड बजता है और सब खाने पर टूटते हैं। उस समय जो भी बाबा के बच्चे थे उस बिना नमक की सब्जी को खाते, कोई नाक चढ़ाता, कोई फेंकता, कोई खाता, कोई क्या करता, तो ये ब्रह्मा भोजन का अपमान होता। इसीलिए बाबा ने ये मिस्टेक ठीक कराई और उस दिन से ये आदेश दिया कि जो निमित्त आत्मा है भंडारे की वो पहले भोजन को एक केवल एक चखे, उसके बाद बाबा को भोग लगाए। और उस दिन से ये प्रथा शुरू है, जब सूर्य भाई वहां होते हैं कहीं भी तीनों जगह में तो वो भोजन को चखते हैं पहले, केवल एक, यानी कि सभी चखा चुकी शुरू कर दो। कई हमने देखा है माताओं की आदत होती है, बहनों की आदत होती है, भोजन बना रही है इधर से भी उधर से भी ऐसे, उसको खाने वाले की भूख ही खत्म नहीं होती, वो भूखे रहते हैं, वो भी ढूंढते रहते हैं उधर कुछ पड़ा है क्या, कुछ मीठा है क्या, कुछ ये है क्या, क्योंकि जैसे भाव से बनाया वैसा ही खाने वाले की आदत हो जाएगी। इसीलिए रसोई में जाकर मुंह बंद, जब तक हम भगवान का भोग बना रहे हैं पहले खुद को तृप्त कीजिए। हम जगन्नाथपुरी गए, कहते वहां जगन्नाथ जी को 56 प्रकार के भोग लगते हैं कई बार दिन में, तो वहां के लोग उनको पेटू जी भगवान
होते हैं, वो खाते हैं, 56 प्रकार का भोग बनता है नांगे, और दिल्ली कई बार बनता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई उनको कि यहाँ के जो पंडे हैं, जो भोग बनाते हैं, यहाँ का नियम क्या है कि भोग बनाने से पहले उन्हें बहुत अच्छी तरह से छका दिया जाता है, खिला खिला के बहुत अच्छी तरह से उनकी भूख खत्म कर दी जाती है। जबरदस्ती रख उनको बोल बोल के ये दिखाओ, ये और खाओ, और खाओ, और खाओ, यहां तक भर दिया जाता है, और फिर उनको कहते कि अब बना। तो वो तृप्त मन से मनाते थे, उन्हें भूख नहीं लगती, उनकी आसक्ति नहीं जाती, इच्छा नहीं जाती, तृप्त मन से वो भोग बनाते हैं। और वहां की ये मान्यता है कि जगन्नाथ जी को जो भोग चढ़ता है इतना से में ही पेट भर जाता है, कितना भी कोई भूखा हो केवल इतने से में पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है इंसान। क्यों बनाया, किस भाव से, किस भाव से बनाया? तो भगवान को जब भोग लगाए तो संकल्प में भी वो झूठा ना हो, संकल्प में भी झूठा नहीं होना चाहिए। अगर वो संकल्प में भी झूठा हो गया तो वो परम पवित्र सत्ता उसको स्वीकार नहीं करेगी। बहुत योग्युक्त होकर भोजन बनाना कोई काम का समय नहीं है। आज मैं माताएं बहुत बैठी हूं, सब कहना चाहूंगी कि आपका मूड अपसेट है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको टेंशन है, तो भोजन बनाने को डिले कर दीजिए। अगर आपने मूड अपसेट में बहुत सारे खराब फोर्स में टेंशन में भोजन बनाया तो परिवार के अंदर भोजन में जहर जाएगा, सबके मन खराब कर देगा, शाम तक आपके घर में कलह कलेश होगा ही, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्न का असर इंजेक्शन की तरह मन पर होता है। और जैसे मन से बनाएंगे वो असर अन्न पर पड़ता है। साइंटिस्ट इस पर बड़ी बड़ी रिसर्च कर चुके हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है इस पर। तो जब हम घर में भोग लगाए या सेंटर पर भोग लगाए, एक तो तृप्त मन, इधर चखा चुकी नहीं, मुंह बंद। हमारा तो नियम है जब तक बाबा को गुरुवार का भोग नहीं लगता हम कुछ नहीं खाते, भोग लगने के बाद ही कुछ खाते, नहीं तो नहीं खाएंगे, भले वो 10 बजे लगे, तब हम बाबा को भोग लगाए। भोग लगाने से इमीडिएटली पुण्यों में वृद्धि होती है। अगर भोगनाएं बहुत जीवन में है, कष्ट है, तकलीफें हैं, असफलताएं हैं, तो भोग लगाइए, भोगनाएं मिटाइए। भोग में बड़ी ताकत है भोगनाओं को समाप्त करने की, पर अपने मन के भाव को जरूर चेक कर लेना कि मैं कैसे भाव से लगा रही हूं, क्योंकि भाड़ा केवल 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 भावना का मिलने वाला है, और वही भाड़ा मेरे पुण्यों में वृद्धि करेगा, जे पुण्यों को बढ़ाएगा। वैसे भी संसार में देखिए, जब किसी के ऊपर कोई ग्रहचारी आती है, कोई विपदा संकट आता है, तो वो अपने गुरुओं के पास, ज्योतिष आचार्यों के पास पहुंचता है राय सलाह लेने के लिए। बड़ी ग्रहचारी, नक्षत्र खराब हो गए, राहु बैठ गया, शनि आ गया, कुछ तो उपाय बताओ। अब जब वो एडवाइस लेने जाते हैं तो आप इतने ध्यान से आज इस बात को विचार कीजिएगा, इमीडिएटली वो भी कुछ ना कुछ उनके हाथ से पुण्य कराते हैं, राइट? चिड़ियों को खिला देना, मंदिर में चढ़ा देना, बच्चियों को डाल देना, पंडितों को, ब्राह्मणों को खिला देना, कंबल बांट देना, ये कर देना, अल्पकालीन पुण्य कराते हैं इनसे, ताकि इनके हाथ से एक तरफ पुण्य हो जाए, पुण्य का प्रभाव बढ़ जाए, तो भोगनाएं थोड़ी सी नीचे ना जाए, डाउन हो जाए, पाप का प्रभाव जो सामने है जिसकी वजह से भोगना है वो डाउन हो जाए, और जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा पाप का प्रभाव नीचे आ जाएगा, भोगनाएं खत्म हो जाएंगी, इसलिए कराते हैं। लेकिन वो अल्पकालीन होता है, 2-4 दिन में चलेगा, उसके बाद फिर कोई कंडीशन,
अरे किया तो था, कुछ असर लगा भी था, लेकिन फिर पुनः पुनः वही स्थिति। यहाँ जो हम बाबा के प्रति करते हैं ये सदाकालीन स्थिरता है, क्योंकि ये भोग कौन से दिन लगाया जाता है, विशेष भोग जो लगता है वो कौन से दिन लगता है? सदगुरुवार। दूसरा शब्द क्या है, दूसरा नाम क्या है सदगुरुवार का? बृहस्पतिवार। संस्कृत का शब्द है ये, संधि विच्छेद कीजिए इसका क्या बनेगा? बृहस्पति। वृक्ष के पति को भोग लगाते हैं हम। अभी इमीडिएटली पुण्य कैसे बढ़ता है देखिए। आपने अपने घर में पौधा बोया, कुछ दिन के बाद आपने देखा कि वो मुरझा रहा है, क्या करोगे? इमीडिएटली तुरंत पानी डालोगे। कहां? जड़। जड़ तो नहीं सूख रही देवी जी, जड़ नहीं मुरझा रहा। आपने मुरझाए हैं पत्ते देके, फूल देके, कलियां देखी, लेकिन जल कहां डाल रही है? जड़ में डाल रही है, जबकि जड़ बिल्कुल सही है, फुटी जड़ में डाल रही है। अब देखिए योजना आपकी, कि जब मैं जल डालती हूँ वो मेरी आंखों के सामने सामने ऊपर जाता है कि और नीचे जाता है? नीचे जाता है जी। कभी देखा अपनी आंखों के सामने कि मैंने इधर जल डाला और ऊपर चढ़ गया? नीचे जाता है। वो वृक्ष के अस्तित्व को टच होकर ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष में फैल जाता है। अगले दिन जब आप देखोगे तो जो मुरझाए हुए पत्ते फूल कलियां थी वो क्या हो जाएंगे? जबकि जल कहां डाला? नीचे। और प्रभाव कहां दिखा? ऊपर। वृक्ष पति, ये सृष्टि भी एक कल्प वृक्ष है। मनुष्य सृष्टि का छाड़ कल्प वृक्ष, और इसका पति स्वयं शिव। जब हम अपनी भावनाओं का जल उस शिव को अर्पित करते हैं तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। और जब उसका प्रभाव मेरे पास आता है तो एक का बहु गुणा रूप में रिटर्न मिलता है, और यहां से मेरे पुण्य वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी बृहस्पति का बड़ा नाम है, गुरु ग्रह बृहस्पति दशा। बाबा क्या कहते हैं, मुरलियों में तुम्हारे सर पे कौन सी दशा बैठ रही है और कौन सी उतर रही है? राहु का दशा। तो बृहस्पति दशा अच्छी होती है जो हमें सीधा कहा ले जाएगी जी, जो बृहस्पति दशा हमें कहा लेकर जाएगी और कितने जन्मों तक बैठ रही है। यहाँ किसी का बृहस्पति खराब होता है तो कहते हैं पीले कपड़े पहनना, केले की पूजा करना, उपवास करना, ये दान करना, तो तुम्हारा बृहस्पति फेवर में आ जाएगा। क्योंकि यदि बृहस्पति खराब हो जाए तो सीधा विवेक पे हमला होता है, सब कुछ खत्म होने लगता है, सुख शांति समृद्धि मान शान सब जाता है। लेकिन जिसकी कुंडली में बृहस्पति दशा बहुत उच्च क्वालिटी की होती है उसमें गज केसरी योग बनते हैं। और गज केसरी का मतलब है जिसके दरवाजे के सामने गज हाथी खड़े हो, जिसके पास केसरी मतलब शेरों जैसी शक्ति हो, और ये राजाओं के पास होती है। यानी कि यही दशा राजाई योग बनाती है, गज केसरी योग बनाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे माथे पर कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति दशा, जो तुम्हें सीधा स्वर्ग में किस जन्मों के लिए एंट्री देगी। अब बृहस्पति को अपने जीवन में लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है गुरुवार के दिन परम सदगुरु को राजी किया जाए। अगर खुद बृहस्पति प्रसन्न हो गया, अगर उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो फिर किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरे को बिगाड़ सके, क्योंकि बिगड़ी को बनाने वाले की मेहर कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ चुकी है। अब किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरी बिगाड़ सके।
परंतु मैं फिर से बार बार एक ही बात को दोहराऊंगी, आवश्यकता किसकी है? भावना, स्वार्थ नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं, उसको प्रसन्न करना है तो निस्वार्थ भाव से करना है, किसी के कहने से नहीं, किसी को देख कर नहीं, कोई मन में स्वार्थ पैदा करके नहीं, निस्वार्थ भाव। अब देखिए कैसे पुण्यों में वृद्धि होती है, जब किसी के मन में ये विचार आता है, ये संकल्प आता है कि आज के गुरुवार का वो मुझे बाबा के साथ सेलिब्रेट करना है, संकल्प स्व इच्छा से आना चाहिए। अगर कहने से किया तो एक तो किया लेकिन लॉस हुआ मुझे 20%, क्योंकि जिसके कहने से मैंने किया 20% कमीशन उसको मिल गया, तो लॉस किसका हुआ? पूरा का पूरा किया मैंने और लॉस किसको हो गया? तो स्व इच्छा से करें हम। इस सभा में देखिए, मुझे लगता है 1000 के आसपास बैठे होंगे, है ना, 1000 तो होंगे ना, ये ज्यादा होंगे 1000 के आसपास। एक साल में गुरुवार कितने आते हैं? 52। 10 त्योहार लगा लीजिए, जिसमें दिवाली, होली, मम्मा डे, 18 जनवरी, दादी डे वगैरह आते हैं, जो अलौकिक त्योहार, 10 कितने हो गए टोटल? 62। बैठे कितने हैं यहां पर? 1000 के आसपास कानपुर कनेक्शन में, ठीक है ना, कुछ कानपुर के हैं और कुछ कनेक्शन में है। अगर हम 5 लोग का ग्रुप बनाए, 10 लोग का भी ग्रुप बनाए, तो साल में 1-2 गुरुवार और 1 ब्रह्मा भोजन आलिशान भगवान के लिए नहीं कर सकते क्या? उसके लिए उसके बच्चों को खिला नहीं सकते मिलके? हाँ या ना, क्या कहते हो आप? क्योंकि इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। अन्नदान महादान बोला गया है, सबसे बड़ा दान अन्नदान है। नहीं कर सकते थी, कैपेसिटी नहीं मिली, करना चाहिए या नहीं? लेकिन निस्वार्थ भाव से, स्व इच्छा से होकर, प्रभु के सामने से, जो स्व इच्छा से होता है उसे इच्छा अनुकूल प्राप्त होता है। इसीलिए स्व इच्छा मस्त कंपल्सरी है। दूसरी बात, जब किसी को ये विचार आया तो कई बार क्या होते हैं, हमने देखे हमारे भाई होते, बिजी होते, बहन जी अच्छा कल गुरुवार है ना, अच्छा कल मेरी बारी है ना, ये लो पकड़ो, बोल लगा देना मेरा, जैसे कुछ काम उतार रही है, जैसे सर पे से कोई बोझ उतार के फेंक दिया। बहन जी ने कहा भाई कल गुरुवार है, आ तो जाना, तुम्हारी ओर से वो ऑफर होगा भगवान जी को। बहन जी कल तो मरने की फुर्सत नहीं, मुझे इतने काम निपटाने हैं। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बहन जी दोपहर के टाइम लेट करके फोन करती है, भाई जी जाते जाते वो खा तो जाना। अरे बहन जी देर हो जाएगी, नहीं आ सकता, छोड़ो ना। भावना है कहीं दिखाई दे रही है? ऐसे की जब थाली ऊपर पहुंचती है तो भगवान भी परेशान से कहते बच्चे तो याद प्यार दे देना, बस खत्म मामला। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा। अब एक माता जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बेचारी झोपड़ी में रहती है, मेहनत मजदूरी करती है, एक एक रुपया बचाती है, बुधवार की शाम मार्केट को जाती है, एक एक फल चुन चुन के लेकर आती है, छोटा सा बाबा के लिए फूलों का हार लाती है, बूढ़ी कांपते हुए हाथों से बहन जी को बोलती है मेरे तिल फूल भगवान की थाली में समर्पित कर देगा मुझ गरीब बच्ची का। बहन जी बड़ी भावना से हाँ माता जी क्यों नहीं। जब वो थाली ऊपर पहुंचती है तो ऊपर वाला भी अपना सिंहासन छोड़ता है, 10 कदम आगे बढ़ता है, सर झुकाता है, दोनों हाथ फैलाता है और वो भोग स्वीकार करता है, क्योंकि भूखा केवल भावनाओं का है, वो भूखा है, वो उसे केवल भावनाओं से ही तृप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं।
कुछ धार्मिक आध्यात्मिक स्थानों को छोड़कर किसी के घर भी पवित्र वाइब्रेशन वाले नहीं है, बहुत रेयरली मिलेंगे, बहुत रेयरली। लेकिन ये जो बाबा के स्थान है ये संपूर्ण पवित्र स्थान है। इन घरों में 24 घंटे में एक बार खुद बाबा चक्कर लगाने आते हैं, चाहे वो 2 सेकंड के लिए आए, पर 24 घंटे में वो चक्कर लगाने आता है। तो बताइए जिस घर में भगवान का आना जाना हो वो स्थान कैसा होगा, जहां सैकड़ों साधक बैठकर साधना करते हो, जहां बाल ब्रह्मचारी रहते हो, जहां नित्य गीता ज्ञान सुनाया जाता हो, जहां आत्माओं का प्रभु से मिलन होता हो, जहां दुखियों के दुख दूर होते हो, जहां आत्मदर्शन होता हो, जहां परमात्मा की पहचान प्राप्त होती हो, ऐसे पावरफुल पवित्र स्थान पर ये ब्रह्मा भोजन, ये भोग, ये प्रसाद ऐसी धरनी पर बनता है। अब इसको बनाने वाले कौन होते? धरनी का भी महत्व है, बनाने वालों का भी महत्व है। आज मैं आपको सामने से एक बात कहना चाहूंगी, जितना भोग लगाने का फायदा है उतना बनाने का भी महत्व है, परंतु कंडीशन, अगर आप नियम धारणाओं में पक्के हैं तो आप सामने से ऑफर कर सकते हैं बहनों को, हम ये भोग बनाने की सेवा करेंगे, चाहे भाई है चाहे बहन है, ऑफर कर सकते हैं, स्वेच्छा से नहीं घुसेंगे। अगर बहन जी हाँ बोले तो ठीक, नहीं बोले तो भी ठीक। अगर आप नियम मर्यादाओं में ढीले हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भोग से दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो पुण्य की बजाय पाप हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पवित्र सत्ता के लिए बन रहा है, ये केवल पवित्र आत्माओं के हाथ से बन सकता है, ब्रह्मचारियों के हाथ से बन सकता है। इसीलिए इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर आप नियम धारणाओं में पक्के हैं तो ऑफर कीजिए सामने से, ये सेवा हमें दीजिए, हम करेंगे इसे, ठीक है ना। और उसमें फिर जो हमारी बहने निमित्त है उनकी हाँ या ना का इंतजार कीजिए, अगर वो हाँ बोले तो ठीक, ना बोले तो भी शर्मा ठीक, क्योंकि ये भोग उन्हीं बहनों के हाथ से बनता है। आज मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूं, जिनके त्याग और तपस्या की कहानी भगवान की डायरी में सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी, जिन्हें आप ये सफेद वस्त्र धारण देखते हो ना, ये बहुत सम्मान के, बहुत रिस्पेक्ट के काबिल हैं। इन जैसा त्याग, इन जैसी तपस्या ना तो किसी ने की है ना कोई कर सकता है। जब खेलने खाने की उम्र थी, जब सजने सजाने की उम्र थी, जब शोक श्रृंगार की उम्र थी, तब इन्होंने अपना सारा घर संसार त्याग दिया। छोटी छोटी सी उम्र में सारे रंग छोड़कर केवल सफेद रंग को धारण कर लिया, अपना घर संसार त्याग कर भगवान को अपना संसार बना लिया। ऐसी हमारी बहनें जो रोते हुए उनके पास आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, जो भटकते हुए आते हैं और राह लेकर जाते हैं, जो प्रभु मिलन करा रही हैं, जो उसके बिछड़े लाल उससे मिला रही हैं, ऐसी पवित्र बहनों के हाथों से जिसका यादगार काम धेनु है, जिसका यादगार आनी पूर्णा है, उनके हाथों से ये प्रभु प्रसाद बनता है। ये ब्रह्मचारिणी बहने प्रभु प्रेम में मगन होकर उस भोग को बनाती है, और जब झूम के ये भोग बनाती है तो उसकी खुशबू तीनों लोकों में फैलती है। देवता ये विचरण करते हैं, एक दूसरे से
हमारे नसीब में नहीं है, तरसते हैं वो इसके लिए। वो कहते काश ये ब्रह्मा भोजन भी हमारे नसीब में होता, परंतु ये केवल आपके नसीब में है, देवताओं के लिए नहीं है। तो एक बार अपने लिए ताली तो बजाओ, आपके नसीब में है। अब ये जब भोग बनता है, भगवान को स्वीकार कराया जाता है, उसकी कृपा दृष्टि तो तभी से बचनी शुरू हो जाती है जब मन में संकल्प आता है कि लगाना है, तभी से उसकी दृष्टि के पात्र बन जाते हैं हम। अब उसकी दृष्टि कैसी होगी? भगवान की दृष्टि को क्या बोला गया है? कृपा दृष्टि। इसमें केवल कृपा बनी होती है, वो पलनी शुरू हो जाती है। अब यदि पांच ब्राह्मणों को पांच पंडितों को खिलाने से गहेशारी उतर सकती है, तो आप कैसे ब्राह्मण हो बताइए? माफ कीजिएगा मुझे, मैं सबके लिए तो नहीं कह रही हूं, लेकिन हां कुछ ब्राह्मणों के घरों में व्यसन प्रवेश हो चुके हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे। पीछे हम महाबलेश्वर गए, वहां एक भाई मिला, उसने कहा बहन जी हम वैष्णव हैं, मेरे पिताजी कथावाचक है, प्रसिद्ध करके कथा वाचते हैं। अभी उसे नया नया था, नशा बहुत था, ज्ञान में आया है, कहता बहन जी वैसे तो हम वैष्णव है, पर रियलिटी ये है कि एक भी दिन खाली नहीं जाता जिस दिन हम अंडे से शुरुआत ना करते हो और नॉनवेज से समाप्ति ना करते हो। हमारे यहाँ अंडा भी रोज बनता है, नॉनवेज भी रोज बनता है। कश्मीर में गए, वहां बताया कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो नॉनवेज को खाते हैं, बड़ा आश्चर्य लगा। अभी तो पंडित वहां बचे नहीं, वो थोड़े हैं, पर एक पंडित ही बता रहा था कि हम तो नहीं खाते, पर कुछ पंडित ऐसे हैं जो शिवरात्रि को शिवलिंग पर भी मांस का भोग लगाते हैं। तो ब्राह्मणों के घर में जो कथावाचक है, जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, उनके जीवन में भी व्यसन चले गए, वो भी तामसिक हो गए, तामसिकता चली गई उनकी लाइफ में। अगर उनको खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है, तो आप कैसे ब्राह्मण हैं? सोच के देखिए, विचार करके देखिए, यदि यहां एक बाबा की पवित्र कुमारी केवल एक कन्या खड़ी हो जाए, ज्यादा नहीं कितनी, तो वो सौ सौ ब्राह्मणों में भारी पड़ जाती है। बाबा की एक पवित्र कन्या, एक तरफ सौ ब्राह्मण, एक तरफ सौ कन्या, उससे भी बड़ी बात है। जो बाबा के पवित्र ब्रह्मचारी कुमार हैं, बैठे हैं कोई कुमार, बैठे हैं कोई, बहुत सारे बैठे हैं। अगर ये पवित्र कुमार मैदान में आ जाए, तो 700-700 ब्राह्मणों में भारी पड़ जाता है एक बाबा का कुमार। एक कुमार एक तरफ, 700 ब्राह्मण एक कुमार को खिला दो, माना 700 ब्राह्मणों को खिला दिया। और उससे भी बड़ी बात, आप सब गृहस्थी जो रहे हो यहां पर, जिस चुनौती को हार कर डर कर ऋषि मुनि हिमालय की तरफ चले गए, जंगलों की तरफ चले गए, बीवी को विवाह बना करके, बच्चों को अनाथ बना करके, जिस चुनौती को उन्होंने असंभव मान लिया कि गर्भस्थ में पवित्र रहना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है, स्टैंप लगा दी थी उन्होंने, असंभव ही नहीं नामुमकिन है, संसार की ये सबसे बड़ी चुनौती थी, ये आप सबने स्वीकार की है, इस चुनौती को ललकारा है। एक ने नहीं, दो ने नहीं, दस ने नहीं, सौ ने नहीं, हजार ने नहीं, आज लाखों की अंदाज में हमारे पास ऐसे कपल हैं, ऐसे युगल हैं, जो इस चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं, घर ग्रस्त में रहते हैं, आज में रहते हैं, लेकिन सेक लगने नहीं देते, कीचड़ में रहते।
हमारे पास 25 साल का कपल भी मिल जाएगा, 35 साल का भी मिल जाएगा, 50 का भी मिल जाएगा, 60 और 90 का भी मिल जाएगा, जिसने अपने जीवन को पवित्र बना दिया है एक साथ रह करके, एक साथ रह करके। यही तो तपस्या है ऊपर वाले की। हमारे जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता, ना की है किसी ने। तू इस जहर में रहे पर देह के वाहन से मुक्त रहे, ये कोई कम तपस्या है? शरीर में रहकर शरीर को भूल जा, कीचड़ में रहकर दाग बदल दे, आग में रहकर सेक बदल दे, ऐसी तपस्या कोई करके तो दिखाए। लेकिन आपने की है, आपने की है ये तपस्या। अगर ऐसे पवित्र दो गृहस्थी मैदान में आते हैं, दो पति पत्नी, जिसने अपने जीवन को कमल फूल के समान पवित्र बना लिया, कीचड़ में है परंतु कीचड़ लगने नहीं दे रहा। दो अगर मैदान में आ जाते हैं तो हजार ऋषि मुनियों पे भारी पड़ जाते हैं बाबा के दो युगल। एक हजार ऋषि मुनियों को खिलाया, दो पवित्र युगलों को खिलाया, बराबर पुण्य लगता है, बराबर पुण्य। पानीपत में एक जैन भाई हैं, वो बता रहे थे कि हर साल वो सेंटर के गृहस्थी भाई बहनों को इनवाइट करते हैं जो गर्भस्थ में रहकर पवित्र रह रहे हैं, कि साल में एक बार शाही भोजन करते हैं इनका। हमारी बहने भाई जाते हैं वहां भोजन बनाते हैं, उनके वो पांव धोता है, अभिवंदन करता है, सजाता है, श्रृंगार करता है, और अपने हाथ से वो शहर का बड़ा सेठ उन पवित्र युगलों को पूजता है, अपने हाथ से उन्हें भोजन कराता है। अब ये इतनी मान्यता है पवित्र युगलों की, तो भगवान की शान है और भगवान की उस चुनौती को स्वीकार किया है जो आज तक किसी ने। तो अपने लिए तो ताली बजा लो, माता हम नहीं हो, एक एक ग्रेट है, एक एक महान है। अगर यहां खुद विष्णु खड़ा हो जाए आकर, तो वो बड़ी प्राउड से, बड़े सम्मान से कहता है, तुम ही तो मेरे वंशज हो। अगर मां जगदम्बे साक्षात्कार कराते तो बड़े सर उठा करके कहे कि तुम ही तो मेरे पुत्र और पुत्री हो। जिन्हें शिव बड़ी शान से कहता है, तुम ही तो मेरी संतान हो। इतनी महान आत्मा। अब आप कैसे ब्राह्मण है बताइए? आपके मुख में, ऐसे पवित्र ब्राह्मणों के मुख में बस फर्क इतना है, वो पोप से जन्मे हो और आप मुक्त वंशावली, बस इतना फर्क है। लेकिन ऐसी पवित्र महान आत्माओं के मुख में जब वो भोग जाता है तो क्या होता है? फिर एक ही झटकों में उन महान आत्माओं की जो दुआएं काम करती है वो चमत्कार करती है। तो चमत्कार फिर इतिहास बनते हैं, इस तरह का चमत्कार होता है। ठीक है ना? अब कैसे ब्राह्मण हो आप ये बताओ। दुनिया के ब्राह्मणों का तो बता दिया ऐसे है, पर आप कैसे, जो अपने आप को पक्का ब्राह्मण मानता हो कि मैं बिल्कुल पक्का ब्राह्मण हूं, आप खड़ा करो, कोई भाई खड़ा करो जी, आप बिल्कुल पक्के कितने साल से हो, इधर आ जाओ, जरा यहां पे आ जाओ, देख लो पक्के हो, पक्के हो, वहां जाओ। आपसे प्रश्न पूछूंगी मैं सबके सामने, आप मेरे को नहीं जानते ना, मैं आज आपसे पहली बार मिली अभी अभी, राइट? आपकी जेल में भाई जी 5,000 रुपए है, आप अपने शहर से दूर कहीं जंगल में फंस गए, 3 दिनों में भटक रहे हो, आपके पेट में 3 दिन से अन्न नहीं गया है, भूख के मारे प्राण निकलने वाले हैं, ऐसी स्थिति हो गई है, आप भोजन को ढूंढते जा रहे हो, कहीं तो कुछ मिले, कहीं तो कुछ मिले, कहीं तो कुछ मिले, चलते चलते आप बाहर किसी गांव के कोने में पहुंचे, वहां आपने देखा कि प्याज के पकोड़े गरम गरम बन रहे हैं, जेब में 5,000 रुपए हैं, पेट में भूख भी लगी है, फिर दूसरी तरफ देखा कि मुर्गे की टांग करी जा रही है,
क्या करोगे आप? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा क्या करोगे, क्योंकि आपके प्राण जाने वाले हैं, आपकी जेब में 5,000 रुपए है, आप खा लोगे या बचाओगे? आप पक्के ब्राह्मण नहीं है। जो मैं आपको पक्का ब्राह्मण कहता है, मैंने पहले ही पूछा था जो पक्का है वो आइए। अगर आपकी जगह मैं होंगी ना तो धर्म तो करिए पर धर्म ना छोड़िए। मैं मर तो सकती हूँ पर धर्म नहीं छोड़ सकती। हम धर्म तो मर सकते हैं पर धर्म नहीं छोड़ सकते। आप पक्के ब्राह्मणों में अभी आपको बहुत उशारत करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान पे निश्चय नहीं। भगवान ने कहा तू मेरी जगत पे चल के देख, मैं धरती फाड़ दूंगा, आसमान चीर दूंगा, पर तुझे भूखा रहने नहीं दूंगा। तू एक बार विश्वास करके देख, तू मेरी जगत पे चल के तो देख, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं नहीं है। इसी विश्वास की जरूरत है, इसी विश्वास की जरूरत है, और यही विश्वास चमत्कार करते हैं लाइफ में। यही विश्वास चमत्कार करते हैं। दूसरी बात, भावना कैसी हो, कैसी हो भावना, जैसी हमारे बाबा की थी। एक माता बूढ़ी, उसने अपने घर में पपीते का पेड़ बोया। बहुत सारे सेवा केंद्र नहीं थे, गिने चुने कोई कोई सेवा केंद्र थे। पपीते का पेड़ बोया, उसने संकल्प किया कि इसका पहला फल मेरे बाबा को अपने हाथों से खिलाऊंगी। कभी हमारे मन में भी ये विचार आता है या नहीं? सीजन का जो पहला फल आता है हम इसको ऑफर करें सबसे पहले, और ये मेरी गारंटी है कि आपके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो फल आपने सीजन का सबसे पहले श्रद्धा से भगवान को ऑफर कर दिया वो खत्म नहीं होगा। इतनी बरकत करेगा कि आप हैरान हो जाओगे। हम जो पढ़ते थे, मैं और हमारी एक सखी थी, हम कॉलेज में जब जाते थे तो रिक्शा हमने कभी छोड़ दी, पैदल जाते थे, पैसा बचाते थे भंडारे के लिए, कुछ करेंगे आश्रम के लिए। बुधवार की शाम का नियम था मार्केट जाकर चुन चुन कर बढ़िया बढ़िया फ्रूट लेके आना गुरुवार की वास्ते, गुरुवार को भोग लगेगा। जो बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास फल होते थे वो हम लेके आते थे। कई साल ये सिलसिला चला। इसी ही जन्म में जो भविष्य के लिए जमा हुआ वो तो हुआ, लेकिन इसी ही जन्म में आज मैं आपको बताती हूँ, आप जाइए मेरे रूम पे, जाइए भाई जी के रूम पे जाइए, इतने फल आते हैं कि हम दोनों हाथों से बांटे तो भी वो खत्म नहीं होते। इतने फल आते हैं देश विदेश से, बैंडिया भर भर के, यहां से वहां से, इधर से उधर से, खूब बांटे तो भी खत्म। ये है उसका रिटर्न। जो भविष्य में जमा हुआ वो तो हुआ, लेकिन वर्तमान में भी भरपूर है, वर्तमान में भी कमी नहीं है, क्योंकि वो भूखा केवल भावनाओं का है और भाड़ा भी केवल भावना का देता है। काम उतारने का, दिखाने का, स्वार्थ का भाड़ा नहीं मिलता। तो बात क्या कर रहे थे कि माता ने पेड़ बोया, संकल्प किया, पहला ही फल बाबा को स्वीकार कराओगे अपने हाथों से। बड़ी भावना वाली माता। आखिर वो दिन आया जब पेड़ पर 2.5 किलो का पपीता आया, फुल साइज इतना मोटा, आधा पका था आधा कच्चा। माता ने अखबार में लपेटा और ट्रेन में बैठ गई, सीधा वो पहुंची। सुबह सुबह जब पहुंची तो बाबा गेट पर खड़े थे। बड़े प्रेम से कहा, बाबा ये पपीता आपके लिए लाई हूं, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से लाई हूं। जिस दिन बोया था पेड़ उसी
दिया था, अपने हाथों से बाबा को खिलाऊंगी। तो बाबा बड़े हैरान हो गए, बच्ची इतनी दूर से तो पपीता लेकर आई खास। कहा चलो बाबा के कमरे में चलो। दोनों चले गए, चाकू खाली आ गई। माता बाहर हो गई दूर, बाबा भी बाहर हो गए दूर। दोनों के आनंद की सीमा ने चरम सीमा पर आनंद है। वो झूम झूम के काट काट के खिला रही है और बाबा झूम झूम के वाह बच्ची वाह करता हुआ खा रहा है। दोनों की आनंद की चरम सीमा है। जब बदली दास जी ने देखा तो तुम थे और हम थे। वही सीन था जैसे बिल्ली ने अपने झूठे दिल श्री राम को खिलाए। जैसे बोली सीन पर जो रहा था, श्री कृष्ण ने विदुर के घर बैठ कर जमीन पर साग रोटी खाया। ऐसे ही वो झूम झूम के स्वाद ले करके पपीता खा रहे थे। पूरा पपीता फिनिश हो गया, लास्ट में थोड़ा सा बचा। माता ने कहा बाबा ये थोड़ा सा मुझे भी खिला दो, लास्ट बचा है। बाबा ने कहा नहीं बची है तो तुम बाबा के लिए लाई हो ना, तुम्हें दूसरा कुछ खिला दे। पापा एक थोड़ा सा इतना सा। बात पपीते की नहीं थी, बात थी बाबा के हाथ से खाली। बाबा ने बहुत मना किया, माता नहीं मानी, अधिकार से विवश कर दिया बाबा को। इतना सा पपीता बाबा ने जैसे ही माता के मुख में रखा, आपको विश्वास नहीं होगा, उस माता ने बड़ा खराब सा मुंह करा और उसने पपीते को हाथ में वापस ले लिया मुंह से बाहर। पपीता महा महा कड़वा था, अति कड़वा पपीता। अब वो माता तो बिलख बिलख के रोने लगी, ये मेरे हाथों से क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, इतना कड़वा पपीता बाबा मुस्कुराते हुए खा गए। आपके चेहरे पे एक सिकंद भी नहीं आई, कैसे खा गए, ये मेरे हाथों से क्या हो गया, मैंने टेस्ट क्यों नहीं किया पहले। उसे बड़ी शर्मिंदगी फील हो रही थी कि उन्होंने क्या कर दिया। ऐसे फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लगी बाबा के सामने। बाबा ने उसको बड़ी सांत्वना दी, उसके आंसू पोंछ कर दोनों हाथों में माता का मुंह कैसे पकड़ा और बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा बच्ची पपीता किसने खाया है, पपीता कौन खा रहा था, किसने पपीता खाया है। फिर बाबा ने बड़े काम की बात कही कि बच्ची बाबा तो तुम्हारी मिश्री से भी मीठी भावनाओं का स्वाद ले करके एंजॉय कर रहा था, आनंदित हो रहा था। तुम्हारी भावनाएं तो मिश्री से भी मीठी थी बच्ची, बाबा तो उन्हें स्वाद ले रहा था। कितना भूखा है वो मेरी भावनाओं का। आ गए ना आंसू आपकी आंख में, मेरे भी आंख में ऐसे ही आए थे जब मनोहर दादी ने ये किस्सा सुनाया था, ऐसे ही आंसू बने थे आंख से। आज से मेरी ओर से मेरा भगवान भूखा नहीं सोएगा, मेरी भावनाएं उसको अर्पित होंगी हर दिन, सम्मान सहित मेरी भावनाएं पहुंचे उसे। मेरी ओर से मेरा भगवान भूखा नहीं सोएगा। अब भावना हो तो ऐसी जैसी शिव भक्त की है, वो तो बच्चा भी नहीं बाबा का, उसे ज्ञान भी नहीं, लेकिन शिव भक्त है। लेकिन ऐसा भक्त है जब जल भी पीता है तो शिव को अर्पित करके पीता है। हम तो जल 6-7 बार 10 बार पीते ना दिन में, कितना भगवान को याद करके पीते, उसका शुक्रिया करते हैं। कभी जल का शुक्रिया किया मैंने, तू मेरे गले की प्यास बुझाता है, तू जीवन दायिनी शक्ति है मेरे लिए, हे प्रकृति माँ तेरा लाख लाख शुक्रिया, तू है तो मैं हूं, कभी शुक्रिया माना मैंने उसका। लेकिन शिव भक्त जल भी शिव को अर्पित करके उसका शुक्रिया बोल कर देता है, कैसा होगा वो भक्त।
अपनी भावना से इस कदर बांध लिया शिव को, एक ही सुनवाई करता है, उम्र बहुत हो गई, घर में कोई बच्चा नहीं, हे भोलेनाथ हे शिव एक बच्चा मुझे मिल जाए। इसकी सुनवाई हुई उस भक्त की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके घर में उस भोलेनाथ ने एक ऐसी आत्मा को भेजा, जब वो आत्मा चलती थी तो हजारों कदम रुक जाते थे, जब मुस्कुराती थी तो हजारों की उदासी हर लेती थी, जहां वो खड़ी हो जाती थी खुशियों की बहार आ जाती थी। जो ब्राह्मण परिवार की जान थी, जो शिव की प्राण की शान थी, ऐसी हमारी दादी प्रकाशमणि की आत्मा उस शिव भक्त के घर में जाके जन्मी। तो अष्टरत्नों में अकेली नहीं जन्मी, अपने प्रकाश को साथ लेकर जन्मी। दादी के जन्म से पहले बाबा ने ये मैसेज दिया था कि वो कौन से घर में जा रही है और क्यों जा रही है, क्या रीजन है उसके पीछे। हालांकि वेद नहीं बोला कि कहां है, परंतु इतना मैसेज दे दिया था बाबा ने, जिसकी दृष्टि के लिए घंटों इंतजार करते थे, जो चलती फिरती फरिश्ता थी, पवित्रता की देवी थी, जो ममता नहीं थी, ऐसी हमारी दादी। अब भावना हो तो दादी जानकी जैसी, दादी जानकी को डॉक्टर ने बोल दिया कई साल पहले कि क्रिटिकल कंडीशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रकाशमणि दादी ने सभी जोन इंचार्ज को बुला लिया अहमदाबाद ने, दादी की हालत बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सभी जोन इंचार्ज अहमदाबाद में आ जाओ। ऐसी कंडीशन में जब डॉक्टर कह रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, दादी जानकी वहां की निमित्त रहने को बोलती, बहन में भोग लगा सकती हूँ क्या, हॉस्पिटल में दिया कहा कि भोग का अरेंज हो सकता है। उस बहन ने कहा हाँ दादी हो जाएगा, तो कहा कि जाओ कुछ अच्छा सा बाबा के लिए बना कर लाओ। दादी की आज तक ये मान्यता है मैं रुकी सुखी खाऊं चलेगा, पर मेरे बाबा को भोग बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए, लगना चाहिए। वो कहा कुछ बढ़िया सा बना के लाना, हो सके तो फूलों का हार भी ले आना। थोड़ी देर में भोग का थाल सज के आ गया, दादी जानकी जमीन पर बैठी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आधा घंटा जब डॉक्टर कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे कंडीशन पे जमीन पर बैठकर उसने बाबा को आधा घंटा भोग लगाया और 7 वर्ष आयु का वरदान पाया। आज तक दादी जानकी 103 साल की होने वाली है, जनवरी में अगले महीने हमारे सामने है, बिल्कुल स्वस्थ। एक ऐसी महिला पूरे विश्व में जो मोस्ट स्टेबल माइंड को रखती है, पूरे विश्व में यदि कोई है जिसके माइंड की रिसर्च हो चुकी है, वो केवल दादी जानकी है, जो हमारी है, आपकी है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी महिला जो 100 साल की ज्यादा उम्र की होने के बाद भी इंटरनेशनल संस्था का सुचारू रूप से संचालन कर रही है, वो महिला हमारी दादी है, आपकी दादी है, जिसका नाम है जानकी दादी। इतनी ग्रेट, इतनी महान, इतनी पवित्र आत्मा है, उनकी भोग इस तरह स्वीकार हुआ कि या तो तभी जा रही थी या अभी कितनी हो गई, उनके साथ के सब धीरे धीरे चले गए, लेकिन वो अभी तक विराजमान हैं। और हम कहते हैं कि वो जब तक संगम रहे, दादी जी हमारी स्वस्थ रहे, हमारे बीच में रहे। अब सबसे एक बात कहना चाहूंगी, जो बाबा की मुरली सुनते हैं, नियम धारा में चलते हैं, 24 घंटे में एक बार अपने घर में बाबा को भोग जरूर लगाएं। अब तीनों टाइम नहीं लगा सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक टाइम
श्रद्धा से भगवान को भोग ऑफर करें आप, और फिर परिणाम लेके क्या होता है लेकिन परिवार के लिए बना रही हूं, पति के लिए बना रही हूं, बच्चों के लिए नहीं, मैं ये भोग भगवान के लिए और उसके परिवार के लिए। भगवान के लिए प्रसाद बनाइए, जो भाई जी पर बताते हैं मैं परम पवित्र, जाप लग जाए आपके मन में, जब आप भोजन बनाने पहुंचो तो आपकी तपस्या का वक्त शुरू हो जाए, ना किसी से बात करेंगे, शांति में रहकर योग युक्त होकर बाबा को साथ लेकर मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये स्वमान का अभ्यास करते हुए भोजन बनाइए, बड़ी श्रद्धा से बाबा को भोग लगाइए। एक टाइम जरूर आपके घर में संस्कारी बच्चे बनेंगे, चित्त शांत होंगे, आपस में प्रेम बनेगा, घर में बरकत होगी, भंडारे भरपूर होंगे, काल कंटक सब दूर होंगे। और ये बाबा का प्रॉमिस है, जिस घर में बाबा ने भोग स्वीकार किया वो रोज पूरे 84 जन्म उसको खिलाने की ड्यूटी जिम्मेदारी ऊपर वाले की होगी। विनाश काल में दुनिया भूखी मरे तो मरे, ओ भाई पक्के ब्राह्मण सुन लो मेरी बात, विनाश काल में दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन जिस घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया है, फिर मैं वही बात कहूंगी, चाहे वो आकाश से गिराए, चाहे धरती फाड़ के दे, आपके हाथ में दाल रोटी अंतिम श्वास तक होगी, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन भोग वो ही लगा सकता है अपने घर में जिसकी किचन में नॉनवेज ना बनता हो। अगर आपकी रसोई में नॉनवेज बनता है तो मां का भोग बाबा स्वीकार नहीं करेगा, फिर आप रो मटेरियल्स का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट दूध बिना उबला रसोई में ले जाना भी नहीं।